ये उमरकोट के भाई हैं, कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। आ जाए तो भाई खूबिया जगह दिखाना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, थर्ड डे है आज मेरा हाइकिंग का और इस वक्त मैं हैदराबाद में नाश्ता कर रहा हूँ और अभी कुछ ही देर में फिर मेरी मंजिल है उमरकोट की तरफ। हाला नाके तो ही मुख्य उमरकोट वाले रोड पे लिंक मिल रही थी लेकिन वो कहीं और जा रहे थे, मैं कहीं और जा रहा था तो बात बन नहीं सकी। अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूवर्स, तो मैं हैदराबाद से वॉक करते हुए हाइकिंग करते हुए पहुंच चुका हूं मीरपुर खास और उमरकोट वाले रास्ते पे। ये जो रास्ता है सामने सीधा मीरपुर खास और उमरकोट को लिंक करेगा। देखते हैं पहली लिफ्ट उमरकोट के लिए कहां से मिलती है और कौन सी मिलती है। लिफ्ट मिल चुकी है मुझे मीरपुर खास तक, ये MTN की गाड़ी है। ये भाई है उन्होंने लिफ्ट दी है मुझे, अल्लाह आपको खुश रखे। क्या नाम है भाई आपका? कार्बन पेपर है। ये अबरार भाई हैं, मीरपुर खास तक जाएंगे, कार्बन पेपर लेके जा रहे हैं। खास पहुंचने वाले हैं, मैं उतर जाऊंगा मीरपुर खास में, भाई मीरपुर खास से नवाबशाह चले जाएंगे। अच्छे से बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खैरियत से ले जाए मंजिल पे। अल्लाह मैं आ चुका हूँ मीरपुर खास शहर में और मुझे लगी बहुत जारी प्यास, तो अभी मैं पी रहा हूँ यहाँ की थादल, मशहूर और बहुत ही अच्छी थादल है और ये लाड़काना की थादल है, जिंदा लाड़काना की जिंदा थादल। तो थादल पीते हैं और फिर चलते हैं उमरकोट की तरफ। याद बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। भाईजान सुन लो मेरी बात, मैं इमरान खान का आशिक हूँ बचपन से। मेरा इमरान खान बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा है और मैं गरीब आदमी, मेरा बच्चा भूखा मर रहा है। मेरे को कोई 50-60 हज़ार इमरान खान भेज देना, मैं तेरा आशिक हूँ और मेरा बच्चा भूखा मर रहा है, मेरा ख्याल करना। मैं भी गरीब आदमी बंदर वाला, बंदर न चाहता था बंदर मर गया मेरा। मैं गरीब आदमी अभी पर पोठे पे रुल रहा हूँ, बच्चों को गत्ते उठा उठा के खिला रहा हूँ। वो जो रास्ता है सामने उमरकोट का रास्ता है और ये जो मैं उमरकोट के रास्ते पे जाऊँगा और ये जो भाई बैठे हैं उमरकोट के चौक पे बैठे, लेकिन उमरकोट घूमने जाते नहीं हैं और हम लोग कहाँ से पैदल पैदल चल के आ रहे हैं, 3 दिन से चल के आ रहा हूँ, लेकिन खुश नसीब लोग हैं फिर भी जाते नहीं। क्यों नहीं जाते भाई? भाई हम घूम के थक गए अभी बस। आओ खड़े। अच्छा चलो सही है, कैमरे को हाई कर दो। असल में मैं खड़ा हुआ हूँ गलत जगह पे, ये जो चौक है वो वहाँ पे चौक है और एक चौक वहाँ पे है और मैं खड़ा हुआ हूँ बिल्कुल सेंटर में, इसीलिए यहाँ पे कोई गाड़ी रुक नहीं रही। अभी मैं उस तरफ जाऊँगा चौक पे और वहाँ से जाके मैं लिफ्ट ट्राई करता हूँ। भाई को सामने लाल बंगले में जाना है, वहाँ इशारा कर रहे हैं और भाई ने मुझे पीछे से लिफ्ट दिए और बहुत बड़ी मेहरबानी, और गाड़ी इनकी रुक गई है वैसे मेरी वजह से। चलो भाई बहुत अच्छे आदमी है, बोल रहे नहीं तुम्हारी वजह से नहीं रुकी लेकिन मेरे बैठने से ही रुकी है। चलो अल्लाह मारी, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। Thank you.
सो फाइनली उमरकोट शहर में एंटर हो चुका हूँ मैं, और सज्जाद मलिक साहब की बड़ी मेहरबानी जो मुझसे लास्ट में अभी मिल के गया, उन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी। और अभी उमरकोट से यहाँ से सर्किट हाउस यहाँ पे बोल रहे हैं जमा हो गया यहाँ पर। अभी गद्दा गाड़ी आने वाला था, बच गया मैं उससे, वो भी सीधा ही लेके आ रहा था। चलो अब अच्छा था कहो था ताश पे खेलो, ये सकाफती गेम है इनका, एक ताश वाश खेलते हैं फारिग टाइम में खुद में बैठ के। चोर आ रहा हो। टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो, ये खड़े हुए मेरे पीछे आगे पीछे। और अभी मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे गवर्नमेंट का सर्किट हाउस, ताकि अगर वहाँ रिहाइश मिल जाती है एक दो रात के लिए तो अच्छी बात है। शहर तो उमरकोट का काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है उमरकोट के हिसाब से, तो आपका कभी आना हो तो ये मेन शहर है। और यहाँ इस तरफ इसकी एक बाज़ार भी दिखाई दे रही है आपको, अभी मैं इस बाज़ार की तरफ नहीं जाऊँगा। आवाज़ें लगा रहे हैं आप, पूरे लोग यहाँ पे मजमा करके मेरी तरफ ही देख रहे हैं और मुझे ही आवाज़ें लगा रहे हैं, तो ये ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। और वो भी है ना, ये तो होगा भाई, जब यहाँ आओगे तो ऐसा तो होगा। ठीक है, 14 अगस्त आने वाली है, पूरे पाकिस्तान में 14 अगस्त बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और इस बार यहाँ पे उमरकोट में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे झंडों से शहर को सजाया गया है, और यहाँ पे भी 14 अगस्त के लिए झंडे मिल रहे हैं और ये बच्चों के लिए झंडे खरीद रहे हैं। सवारी मिल गई है मुझे, और इससे ज़्यादा आलीशान सवारी पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं मिल ही नहीं सकती। और ये देखिए सर्किट हाउस का शहनशाह सवारी है हमारी। हाँ भाई, इसका नाम है सुपर एक्सप्रेस। क्या नाम है इसका? सुपर एक्सप्रेस। और ये इसके ये ड्राइवर है भाई जान, ड्राइवर है प्रताप भाई। तुम्हारा भाई कमलेश, क्या करते हो? ट्रैक्टरों का काम। ट्रैक्टरों का काम करते हो, सही, अच्छी बात है, खुश रहो भाई। कमलेश भाई और मैं जा रहे हैं, मैं सर्किट हाउस जाऊंगा, ये अपने घर जाएंगे, कमलेश भाई के साथ जा रहे हैं। शाम के टाइम में तो यहाँ पे घूमने का और ही मज़ा आ रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक गेस्ट हाउस में, तो गेस्ट हाउस बुक करवाया है, देखते हैं कैसा रूम है। जी भाईजान, तो मैं यहाँ पे आया था अपने लिए हॉस्टल का रूम सर्च करने, गेस्ट हाउस का, तो गेस्ट हाउस तो नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी सी सोसाइटी मिली है मुझे। सर ये हमारा उमरकोट शहर है, इधर हमारी सिंदामर सोसाइटी है,
उधर भाई साहब आए हैं, इनकी मेहरबानी, और इधर शूटिंग भी कर रहे हैं, भर रहे हैं, वीडियो भी भर रहे हैं, और हम ये बंगले बंगले बना के, और प्लाटिंग हमारी चल रही है, बंगले बने भाई सोसाइटी में 50 बंगले हैं, वो बना करके हम सारों को पेमेंट। यहाँ का हॉस्टल और गेस्ट हाउस यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, और कुछ महंगे भी थे, कुछ नॉर्मल भी थे, तो मैंने अपने हिसाब से ये रूम बुक किया है। 1 बेडरूम है, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा रूम है, और रात में यहीं पे गुजारूंगा। इसका वॉशरूम चेक करते हैं, और उमरकोट में आपको ऐसा वॉशरूम मिलेगा साफ़ सुथरा, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको। और अब सुबह उठेंगे, उमरकोट शहर को एक्सप्लोर करेंगे, रात में यहीं पे आराम करूंगा, फिर मिलते हैं सुबह। ये उमरकोट के भाई हैं, कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। व्लॉग भाई, मिल गया मैसेज आपको?